फिर नया साल, नई सुख, नई उम्मीदें। ऐ खुदा, खैर की खबरों के उजाले रखना। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। साल के आगाज में अक्सर लोग डिफरेंट प्लान्स बनाते हैं, नई डायरेक्शंस की तरफ जाते हैं। इसी से रिलेटेड आए हम वीडियो क्लिप देखें। बिल्ड योर हाउस का मतलब है बिल्ड योर रिलेशनशिप। अक्सर हमने दो अल्फाज सुने हैं, मकान और घर। फर्क सिर्फ इतना है कि मकान ईंटों का और घर लोगों से होता है। इस कहानी में दो तरह के लोग इस दरख्त के ऊपर दो किस्म की डायरेक्शंस देखते हुए उनको फॉलो करते हैं। ये डायरेक्शन हाउस बिल्ड करने की है। बिल्ड योर हाउस का मतलब है बिल्ड योर रिलेशनशिप। अक्सर हमने दो अल्फाज सुने हैं, मकान और घर। फर्क सिर्फ इतना है कि मकान ईंटों का और घर लोगों से होता है। पहले शख्स ने जो जगह चूज की वो खुदा के कलाम के मुताबिक थी, और उसने अपनी ज़िंदगी का फोकस भी खुदा को ही रखा, और उसी के कलाम के मुताबिक उसने अपना घर बनाया। अब जो दूसरे शख्स ने जब अपना घर बनाना शुरू किया तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल गलत जगह का इंतखाब किया, क्योंकि उसने जिस जगह का इंतखाब किया उसकी बुनियाद ही गलत थी, क्योंकि वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं थी। और फिर वो दोनों रहने लगे, और एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तूफान और आंधी आई। और उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो पहला शख्स है उसको इस तूफान और आंधी से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी बुनियाद खुदा के कलाम और खुदा पर थी। इसके बरक्स जो दूसरा शख्स था जिसकी बुनियाद दुनियावी थी, उसका घर इस तूफान से, इस आंधी से बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, और उसके पास कुछ भी नहीं रहा। इससे पता चलता है कि खुदा के साथ ताल्लुक ही हमें हर मुसीबत और परेशानी में कायम रहने की ताकत देता है और कभी गिरने नहीं देता। आइए देखें कि हम खुदा के साथ मजबूत रिलेशनशिप इन 3 स्टेप्स में कैसे बना सकते हैं ताकि हमारा घर हमेशा कायम रहे और ये न्यू ईयर जो है 2023 हमारे लिए बहुत ही बबरकत ठहरेगा। स्टेप नंबर 1 है दुआ करना, और मैं इस चीज़ से वाकिफ हूँ कि आप सब दुआ करते हैं, और लेकिन इसमें जो हम बात करेंगे उसमें हम दुआ के बारे में मज़ीद जानेंगे। और सेंट क्रोजोस्टम कहते हैं कि दुआ जो है वो खुदा के साथ ताल्लुक जोड़ने की पहली सीढ़ी, कदम और जड़ है। हमारी ज़िंदगी में लामहदूद नेमते हैं, और अगर हम उन्हें गिनना शुरू करें तो ये नामुमकिन सी बात है कि हम इनको गिन सकें। तो इन सब नेमतों का जो पैदा करने वाली माँ है वो भी दुआ है। बाइबल मुकद्दस में 1 सैमुएल उसके 3:10 आयत में है, तब खुदा आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल सैमुएल। तो सैमुएल बोला, फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। इसलिए दुआ में बोलने के साथ सुनना भी जरूरी है। दुआ का तरीका यीशु मसीह बताते हैं मत्ती 6:6 उसकी 6:6 में, कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। यहाँ पर कोठरी के मानी है कि तमाम किस्म की सोचों को छोड़कर खुदा पे फोकस करो और उसी से बात करो, तब वो तुम्हें तुम्हारी तमाम मुश्किलात से आज़ाद करेगा और तुम सलामती पाओगे। मुकद्दस पौलुस रसूल इसी तरीके को 1 तस्सलुनीकियों के खत में 17:5-18 में लिखते हैं कि मुसलसल दुआ और शुक्रगुजारी करते रहो। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं, तो उसका हल ये है कि जब आप अपने काम पर जा रहे हों या घर में काम कर रहे हों तो भी खुदा के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि खुदा आपके छोटे से छोटे काम में भी इंटरेस्टेड है। खुदा के साथ मुसलसल रबते की जो हम बात कर रहे हैं इस पर मुकदसर रीजा ने अमल किया। वो दुख, परेशानी, खुशी, हर लम्हा खुदा से हम कलाम होती और मुश्किलात के बावजूद सलामती में रहती थी। दूसरा स्टेप है बाइबल पढ़ें।
बाइबल पढ़ने की अहमियत का हमें जबूर 91 की 14वीं आयत में पता चलता है, जिसमें लिखा है, चूंकि उसने मुझसे ताल्लुक रखा है, मैं उसे नजात दूंगा, मैं उसकी हिफाजत करूंगा, इसलिए कि उसने मेरा नाम पहचाना है। खुदा के साथ ताल्लुक रखने से हम नजात पाते हैं और वह तमाम राहों में हमारी हिफाजत करता है। बाइबल पढ़ने के बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अगर हम आजाद होना चाहते हैं तो सच जानना जरूरी है, और वो बाइबल मुकद्दस पढ़कर ही जान सकते हैं। मुकद्दस अगस्तीन की मशहूर दुआ है, और जिसमें वो कहते हैं कि तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारा दिल उस वक्त तक बेचैन रहता है जब तक कि वो तुझ में इत्मीनान ना पाए। जो इसमें बताते हैं कि एक दफा बाइबल पढ़ते हुए उन्होंने ये अल्फाज सुने कि बाइबल मुकद्दस को मजबूर होकर ना पढ़ो, बल्कि खुशी से मुझे जानने के लिए पढ़ो। यानी कि जब हम बाइबल पढ़ें तो खुश दिली से खुदा को जानने के लिए पढ़ें। तीसरा स्टेप है कि ईमान रखना। ईमान की डेफिनेशन मुकद्दस पौलुस इफिसियों के नाम खत में यूं बयान करते हैं कि उम्मीद की हुई चीजों और नजर न आने वाली चीजों पर यकीन रखना। और ईमान का मकसद अपने आप पर यकीन रखने के साथ खुदा को अपनी जिंदगी का मुकम्मल इख्तियार देना है। आखिर में सवाल यह है कि इन तीन स्टेप्स को फॉलो करने की क्यों जरूरत है? तो उसका जवाब इशाया नबी के सहीफे के दूसरे बाब की दूसरे आयत में लिखा है, आखिरी आयाम में खुदा के घर का पहाड़ मजबूती से कायम होगा। सबसे बड़ा ये पहाड़ दीगर तमाम बुलंदियों से कहीं ज्यादा सरफराज होगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशन में तीन स्टेप्स जो मैंने बयान किए हैं, जिनमें से पहला दुआ करना, दूसरा बाइबल पढ़ना और तीसरा ईमान रखना है, इन तीनों को अपनी जिंदगी का गोल बना लें तो आप कसरत की जिंदगी को पा लेंगे। विश यू फंटेबुलस न्यू ईयर एंड थैंक यू सो मच।